फ्रेंड्स, मैं मन मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और ये क्लास 10th 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में ये फोर्थ क्वेश्चन होगा जो चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। रूट 3 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए रूट 3 रेशनल है, देखिए रूट 3 रेशनल है। रेशनल का मतलब क्या होगा कि a अपॉन b की फॉर्म में होगा, ठीक है, a अपॉन b की फॉर्म में होगा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर बोथ साइड्स करने से हमें हेल्प मिलेगी। ये जो रूट 3 होगा ये 3 में चेंज हो जाएगा और ये a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर जो होगा वो डिविजिबल होगा 3 से। एक थ्योरम थी, यदि किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो ए इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, ए इज डिविजिबल बाय 3, ये हो गया। देन लेट कर लीजिए a इज इक्वल टू 3c, a इज इक्वल टू 3c। और ये जो a इज इक्वल टू 3c हमने लेट करा है, इसको इस वाले इक्वेशन में पुट कर लीजिए, जिसे 3b इज इक्वल टू 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर लिखा था, ठीक है। a स्क्वायर की जगह हमें 3c पुट करना है, देन 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि b स्क्वायर जो है वो भी डिविजिबल होगा 3 से, b स्क्वायर भी डिविजिबल होगा 3 से। अगर b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो वही बात, b भी डिविजिबल होगा 3 से, b भी डिविजिबल होगा 3 से, ठीक है। अब देखिए, a और b दोनों का फैक्टर सेम आ गया 3, ठीक है, a और b जो है, a एंड b हैव सेम फैक्टर, दोनों का सेम फैक्टर हो गया, कौन कौन से, दैट इज 1 तो होता ही है एंड 3, ठीक है, 3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b ये को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग है, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। हमारा अजम्पशन रॉन्ग है और रूट 3 जो है वो एक इरेशनल है। दोबारा एक बार समरी करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या था, हमने जो हमें इरेशनल प्रूव करना है हमने उसी को रेशनल लेट कर लिया। रेशनल लेट करने से क्या होगा, वो इज इक्वल टू ए अपॉन बी की फॉर्म हो जाएगा। देन दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने से रूट 3 में चेंज हो गया, ए अपॉन बी, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर फॉर्म में चेंज हो गया। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। फिर एक थ्योरम बताती है कि a जो होगा वो भी डिविजिबल होगा 3 से। देन हम लेट कर लेंगे कि a की वैल्यू 3c है, क्योंकि 3 से डिविजिबल है, इसीलिए देन इस a इज इक्वल टू 3c को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको मान लीजिए हम फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे, देन 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c का होल स्क्वायर, देन 3 से 9 कैंसिल कर दिया, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। देन b स्क्वायर को यदि 3 से डिविजिबल है तो b भी 3 से डिविजिबल होगा। a और b दोनों का सेम फैक्टर हो गया 3, और इसका मतलब क्या हुआ, ये को प्राइम नंबर नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग था और रूट 3 जो है वो एक इरेशनल है, ठीक है। आगे की जो वीडियो होगी उसमें भी हम ऐसे ही एक क्वेश्चन की बात करेंगे। आगे की वीडियोस देखते रहिए, थैंक यू।